और तू है इस दौर का पूजहल तो इतना सुन ले, तू है इस दौर का पूजहल तो इतना सुन ले, तू है इस दौर का पूजहल तो इतना सुन ले। अरे हम तो आका के लिए हजराते मोहतरम, पूरा मजमा ईमानदारी के साथ ये सबूत पेश कर दे कि हम सब अपने मेहमान की मेहमान नवाजी के लिए आमादा और तैयार है। पूरा मजमा मोहब्बत के साथ ईमानदारी के साथ, अगर आप चाहते हैं कि आपके नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा हो जाए तो आप एक मरतबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह, एक मरतबा और लाइक करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह, एक मरतबा और चेक करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह, एक मरतबा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहराते हुए बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और एक मरतबा एडवांस में बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और यहाँ से शेर सुनिए हजरात के, चमकते हैं कुछ ऐसे नात के अशआर कागज, के चमकते हैं कुछ ऐसे नात के अशआर कागज पर, बना दे जैसे कोई नूर का मीनार कागज पर, चमकते हैं कुछ ऐसे नात के अशआर कागज पर, बना दे जैसे कोई नूर का मीनार कागज पर। और अगर कोई ये पूछे कि जन्नतुल फिरदौस कैसी है, दिखा देना बनाकर रोज़े सरकार कागज पर। अगर कोई ये पूछे अम्मा, अगर कोई ये पूछे कि जन्नतुल फिरदौस कैसी है, दिखा देना बनाकर रोज़े सरकार कागज पर। आइए हजरात मोहतरम, उसी रसूल की बारगाह आलिया में नजराना एनात, नजराना अकीदत व मोहब्बत पेश करने के लिए मैं इस वक्त जनाब शायर इस्लाम तौसीफ आलम से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाए और नाकिया कलाम से हम सामाइन को मुस्तफिज फरमाए। इस शेर के साथ जनाब तौसीफ साहब का इस्तकबाल है कि करो जिक्र तैबा मजा आ रहा है, बोलिए लाइक करके सुभान अल्लाह, करो जिक्र तैबा मजा आ रहा है, अरे सीरतुन नबी का है जलसा मजा आ रहा है, और कुछ इस तरह से नाते नबी पर आए तौसीफ आलम कहे बच्चा बच्चा मजा आ रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हजरात सीधे सीधे एक मतला दो शेर हाजिर करता हूँ, और मैं ये देखता हूँ कि पद्मा वाले कितने मोहब्बत करते हैं हमसे मुझसे। एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद नबीउल उम्मी व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाजिर करता हूं मुलाजाफा इरशाद के नाते के वास्ते, नाते के वास्ते रूह निकलने से पहले आप लोग सुभान अल्लाह कह दीजिए ताकि खात्मा सही हो। कहिए मचल के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के नाती के वास्ते, नाती के वास्ते दिल ने आवाज दी, और कागज कलम गम उठाने लगे, नाती के वास्ते, नाती के वास्ते दिल ने आवाज दी, और कागज कलम गम उठाने लगे, नाती के वास्ते, के नाती के वास्ते।
लगे और कागज कलम गम उठाने लगे। जगन में नूर नकगत जगन में नूर नकगत से करे के वजू सर झुकाए हुए लफ्ज बहुत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे वाह भाई वाह, जवाब जिंदाबाद बहुत। नाती के वास्ते दिल ने आवाज दी और कागज कलम गम उठाने लगे। नाती के वास्ते और ये शेर लिखेगा इरशाद के सारी दुनिया। आप लोग इस तरीके से सुनिए पद्मा वालों, ये मीडिया आपके सामने है, आप लोग इस तरीके से सुनिए और इस तरीके से दाद दीजिए ताकि पूरी दुनिया आपको देखे कि ये पद्मा का प्रोग्राम है। कहिए मचल के सुभान अल्लाह। के सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया का चैनो सुकून एक तरफ शेगने तैबा का चैनो सुकून एक तरफ सारी दुनिया सारी दुनिया का चैनो सुकून एक तरफ शेगने का चैनो सुकून के तरफ थक के बैठूं बैठूं थक के बैठूं खजूरों के छांव में जब आगे ठंडी गवा सर दबाने। बहुत खूब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाती के वास्ते दिल ने और कागज कलम गम उठाने लगे। नाती के वास्ते आप लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। एक मरतबा आप अपने लिए कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मैं स्टेज से भी दुआ लेते हुए एक शेर एक मतला एक शेर हाजिर करता हूँ, अगर अच्छा लगे तो दुआ से नवाजेगा। मलाजा फर्ज के नूरे नबी वजूद में के नूरे नबी वजूद में नूरे नबी वजूद में लाना शुरू किया। नूरे नबी वजूद में नूरे। अरे बाप, पद्मा के लोग शेर सुनने से पहले नवाज देते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग। के नूरे नबी वजूद में नूरे नबी वजूद में लाना शुरू किया। नूरे नबी वजूद में के नूरे नबी वजूद में लाना शुरू किया। खालिक खालिक ने कायनात बनाना शुरू किया। खालिक ने कायनात बनाना शुरू किया। नूरे नबी वजूद में। और ये शेर असलम परवाना की खिदमत तक पहुंचाता हूँ। मुलाजा फरमा के गारे गार गारे हैरास फैली जब करा की रोशनी। गारे हैरास फैली गारे
रात फैरी जब किरा की रोशनी गाले रात फैरी के गाले रात फैरी जब किरा की रोशनी दुनिया दुनिया ने रोशनी में नहाना शुरू किया दुनिया ने रोशनी में नहाना शुरू किया। अभी जो आपके सामने तिलावत कलामुल्ला फरमा रहे थे उनकी फरमाइशें हैं कि मैं एक कलाम पढ़ूं, इंशाल्लाह उसके बाद मैं एक और कलाम पढ़ के अपनी जगह ले लूंगा। सबसे पहले उनकी ख्वाहिश पूरा कर देता हूं। मुलाजा फरमाए कि जिस गए मेरा कहीं पर, अरे जिस गए मेरा कहीं पर और कहीं पर आप लोग भी शामिल हो जाए, आप लोग भी कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि जिस्म गए मेरा कहीं पर और कहीं पर जान गए, जिस्म गए मेरा कहीं पर और कहीं पर जान गए, जिस्म गए मेरा कहीं पर और कहीं पर जान गए, के जिस्म गए मेरा कहीं पर और कहीं पर जान गए 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 गए, जिस्म गए मेरा कहीं पर और कहीं पर जान गए। अरे मैं गुगिन दुस्तान में तैबा में मेरा जान गए। माशाल्लाह बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी पढ़ी। जिस्म गए मेरा कहीं पर और कहीं पर जान गए, जिस्म गए मेरा कहीं पर और कहीं पर जान गए 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 गए, जिस्म गए मेरा कहीं पर और कहीं पर जान गए। अरे मैं गुगिन दुस्तान में तैबा में मेरा जान गए, मैं गुगिन दुस्तान में। और ये शेर देखिए नज़म इरशाद कि ऐसा लगता है के जैसे रेगल पर कुरान है, ऐसा ऐसा लगता है के जैसे रेगल पर कुरान है, ऐसा लगता है कि जैसे रगेल पर कुरान है, ऐसा लगता है कि जैसे रगेल पर कुरान है, कि ऐसा लगता है कि जैसे रगेल पर कुरान गए 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 गए, ऐसा लगता है कि जैसे रगल पर कुरान गए। अरे आमना आमना के गोद में कौनैन का सुल्तान है, अरे भाई बहुत खूब जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब का सुल्तान है,
جسم گئے میرا کہیں پر. اور یہ آخری شعر پڑھتا ہوں ایک بار کہیے آپ لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ دانے 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 کے مقدر میں برکت کا نزول. 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 کے دانے دانے کے مقدر میں برکت کا نزول. دانے دانے کے مقدر میں برکت کا نزول. ارے مصطفیٰ مصطفیٰ مہمان ہے جابر کا دستر خان. مصطفیٰ مہمان ہے جابر کا دستر خان ہے. جسم گئے میرا کہیں پر اور کہیں پر جان گئے. آئیے حضرات میں چار مصرے ماں اور بہنے کے حوالے حاضر کرتا ہوں. اگر اچھا لگے تو سبحان اللہ کہیے. کہ ان کے گھر میں جلت کی کھیتیاں نہیں گوتی. ان کے گھر میں جلت کی کھیتیاں نہیں گوتی. کہ ان کے گھر میں جنگنت کی کھیتیاں نہیں گوتی. جن کے گھر کے آنگن میں ارے بیٹیاں گوتی. ان کے گھر میں جلت کی کھیتیاں نہیں گوتی. اور یہ شعر اسٹیج والے بھی تھوڑا سا بیدار ہو جائے انشاءاللہ مزہ آ جائے گا. کہ اس لیے اگر شعر سچا لگے تو مچل کے کہیے گا سبحان اللہ. کہ اس لیے پریشان ہے آج امت آقا. اس لیے پریشان ہے آج امت آقا. کہ اس لیے پریشان گئے آج امت آقا. کہ سنتی طریقے پر شادیاں نہیں ہوتی. بہت خوب طریقے بہت خوب شادیاں نہیں گوتی. ان کے گھر میں جلت کی کھیتیاں نہیں گوتی. اور یہ آخری شعر پڑھ کے میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں. کون سب ماں سے محبت کرتا ہے؟ جو لوگ محبت کرتے ہوں گے یہ شعر پہ سبھی حضرات مچل کے کہیے گا سبحان اللہ. کہ میرے گھر کے ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے. کہ میرے گھر کے ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے. کہ میرے گھر کے ملکہ
भी प्यार से पकाती गए, फिर भी माँ फिर भी माँ के गातों से अरे रोटियाँ नहीं गोदी, फिर भी माँ के गातों से दो गोटियाँ नहीं गोती, उनके घर में जन्नत की खेतियाँ नहीं गोती। बहुत बहुत